नमस्कार, मैं हूं जम्मू आनंद, करता हूं सीधी बात। आज दो मुद्दों पर मैं अपनी राय रखने जा रहा हूं। पहला कि क्या एकनाथ शिंदे वैचारिक और राजकीय संघर्ष कर रहे हैं या फिर केंद्रीय संस्थाओं की कार्रवाई से बचने के लिए ये सारा उठापटक। दूसरा, चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में कि क्या वो न्यायालय में जो केस चल रहा है उसमें हस्तक्षेप है या फिर उसका साफ कर दूं कि एकनाथ शिंदे कोई वैचारिक और राजकीय संघर्ष शिवसेना में कर नहीं रहे थे और आज भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिंदुत्व की बात, जिस बाड़ा साहब ठाकरे की बात वो कह रहे हैं, तो पिछले 50 साल में स्वयं बाड़ा ठाकरे साहब जब जिंदे थे तो उन्होंने कई बार चुनाव के दरमियान कांग्रेस से हाथ मिलाया, तो कभी मुस्लिम लीग से हाथ मिलाया, तो कभी समाजवादियों से हाथ मिलाया। मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस का कई बार उन्होंने समर्थन किए। राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को भी स्वयं बाड़ा साहब ठाकरे ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों का, उम्मीदवारों का समर्थन किए हैं, जबकि इनमें से कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे फिर वो मुस्लिम लीग हो, वो हिंदुत्व की राजनीति ना करते हैं ना उन पर उनका विश्वास है। तो इसके लिए शिंदे का ये कहना कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से हाथ मिलाकर हिंदुत्व की जो उनकी मुख्य राजनीति है, विचारधारा है, और बाड़ा साहब जिस हिंदुत्व की बात करते हैं उसके साथ उन्होंने समझौता किया है जो उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं, ये कहना एकनाथ शिंदे का सरासर झूठ है। और खास करके कार्यकर्ताओं को दिशा भूल करने वाला जैसा है। असली कारण ये है कि एकनाथ शिंदे वर्तमान मोदी सरकार के इशारे पे नाचने वाले जो केंद्रीय संस्थाएं हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इनके कार्रवाइयों से वो बचना चाहते हैं, उनके साथियों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईडी का एक नोटिस एकनाथ शिंदे के जो सचिव है उनको मिल चुका था। और ये सारी कवायद जो बुनियादी तौर पर जो है, ना कि कोई वैचारिक संघर्ष, ना कोई राजनीतिक संघर्ष एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। अब रही बात चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है, ये फैसला को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाली जो राजनीति है महाराष्ट्र की, और खास करके उद्धव ठाकरे की जो भी भूमिका है रहेगी, वो पहले से ही जो सर्वोच्च न्यायालय में जो केस चल रही है, खास करके आमदारों के अपात्र घोषित करने को लेकर या उसकी प्रक्रिया को लेकर, और साथ में अब जो चुनाव आयोग ने जो एक फैसला दिया जिसके मुताबिक एकनाथ शिंदे को आधिकारिक शिवसेना माना गया और धनुष बाण या चुनाव चिन्ह उसको दिया गया, तो इसके मद्देनजर भी आने वाले दिनों में शायद उद्धव ठाकरे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, शायद लड़ना भी चाहिए। इसमें दो बातें हैं जिसको हम लोगों ने समझना चाहिए। नंबर एक कि चुनाव आयुक्त जो है उसका, उसकी भूमिका, उसके अधिकार, उसका कार्य क्षेत्र, और दूसरा जो है संविधान की 10वीं जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल के मुताबिक जो विधानसभा के स्पीकर होते हैं उनके विशेष अधिकारों का। हम सब जानते हैं कि दल बदल कानून के मुताबिक 2/3 चुने हुए विधायकों से अगर कम विधायक पार्टी के विप का उल्लंघन करते हैं या पार्टी से अलग भूमिका लेते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त की जाती है। अगर विधायकों की संख्या पार्टी के विप के विपरीत और पार्टी लाइन के खिलाफ लेकिन 2/3 के ऊपर हो, तो ऐसे सूरत में उन्हें किसी मान्यता प्राप्त
राष्ट्रीय या राज्य स्तर की पार्टी में विलय होना हो जाता है। महाराष्ट्र के संदर्भ में जो मामला है, इसमें पहले 16 आमदारों के अपात्रता का मामला है, जिस पर उस समय के जो उपाध्यक्ष थे, जो स्पीकर थे, उन्होंने नोटिस दिया हुआ था। 10वीं राज्य घटना की 10वीं शेड्यूल के मुताबिक जब तक स्पीकर अंतिम निर्णय ना ले ले आमदारों को अपात्र करने के संदर्भ में, तब तक न्यायालय जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में हमने देखा है कि न्यायालय ने स्पीकर के अंतिम निर्णय लेने के पहले हस्तक्षेप किया। स्पीकर ने नोटिस दी थी 16 आमदारों को लेकर, लेकिन आमदार जो है स्पीकर के ही भूमिका को चुनौती दी और कोर्टों ने स्पीकर के ऊपर निर्णय लेने से रोक लगा। अब सवाल ये है कि महाराष्ट्र के अंदर उस तत्कालीन गवर्नर भी और न्यायालय ने भी राज्य घटना के 10वें शेड्यूल के मुताबिक दल बदल कानून की धज्जियां उड़ाई। क्यों? नंबर 1, एक तो स्पीकर के निर्णय के पहले न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। नंबर 2, अगर शिंदे की बात मान भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये कहते हैं कि 55 में 40 आमदार उनके साथ है, 2/3 से ज्यादा आमदार उनके साथ है, तब तो उनको किसी राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तर की पार्टी, मान्यता प्राप्त पार्टी, चुनाव आयोग द्वारा उसमें विलय होना है। लेकिन अब तक तो कोई विलय हुआ नहीं, उलट तत्कालीन राज्यपाल ने तो उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी। ये एक प्रकार से घटना का देश के संविधान का भी अपमान है, उसका भी उल्लंघन है। और जैसे हम जानते हैं कि कोश्यारी जब महाराष्ट्र में थे तो किस तरीके से वो गवर्नर कम और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंडा को वो किस तरीके से आगे बढ़ा रहे थे, और अपने भी कार्यालय का उन्होंने एक प्रकार से अवमूल्यन किया। और जो संसदीय प्रणाली है, जो संवैधानिक हमारा जो पूरी प्रणाली है, उसको उन्होंने तार तार किया। इसलिए जो है कि इस लड़ाई को शिद्दत से लड़नी इसलिए भी चाहिए कि वरना आने वाले दिनों में फिर कई राज्यपाल, खास करके जो विपक्ष जहां पर सत्ता में है, वहां के राज्यपाल आज भी वहां की सरकारों को अस्थिर करने का प्रयत्न ऐन कैन प्रकारे समय समय पर करते आ रहे हैं और करने वाले हैं। दूसरा ये कि चुनाव आयोग जो है, जिसका काम चुनाव करवाना, जिसका काम चुनाव कार्यक्रम घोषित करना, जिसका काम वोटर लिस्ट बनवाना, जिसका काम चुनाव में खर्च की सीमा तय करना, जिसका काम राजकीय पार्टियों को पंजीकृत करना और चुनाव चिन्ह आवंटन करना, इतना मर्यादित मैंडेट जो चुनाव आयोग का है। लेकिन इस महाराष्ट्र के मसले में एकनाथ शिंदे ने ना कोई नई पार्टी बनाई, ना ही उन्होंने चुनाव आयोग से पंजीकृत किया। दल बदल कानून के मुताबिक वो अपात्र होने चाहिए। इसके बावजूद हमें याद करना चाहिए कि मुंबई में एक उपचुनाव था जिसमें स्वयं शिंदे गट ने चुनाव आयोग से कहा था कि असली शिवसेना हम हैं, इसलिए धनुष बाण हमको दिया जाए, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उस वक्त भी शिंदे गट ने, एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग की दिशा भूल की, क्योंकि वो सीट वो खुद लड़े नहीं, वो सीट वो बीजेपी को देने गए। लेकिन बाद में हुआ ये कि उद्धव गोठी और बाकी सब जो है, चाहे शिंदे गट हो और बीजेपी, ने अपने उम्मीदवार वहां नहीं लड़ाए। अगर सही मायने में एकनाथ शिंदे असली शिवसेना होती तो उस समय ही वो चुनाव लड़ते, धनुष बाण पे लड़ते। लेकिन एकनाथ शिंदे ने वो भी नहीं किया। उसके बाद एक और चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, शिक्षक मतदार संघ का और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का। उसमें स्पष्ट संकेत
दिखे कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, इसलिए 5 सीटों में 4 सीट हार गई। उसके बाद अभी जो 2 चुनाव होने जा रहे हैं उपचुनाव, वो बहुत ही अहम चुनाव है, और ये चुनाव खास करके कस्बा और पुनपुरी चिचवड़ का, जो दोनों सीटें बीजेपी की सिटिंग सीट है, कस्बा में कांग्रेस लड़ और पिंपरी चिचवड़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ये संयुक्त रूप से वहां लड़ रहे हैं। वो चुनाव को प्रभावित करने के लिए और खास करके अमित शाह जो है उस चुनाव में पहली बार प्रचार करने के लिए जाने वाले थे, तो अमित शाह कोई नई घोषणा और एक नई ऊर्जा के साथ उस चुनाव प्रचार में भाग ले, इसकी पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी गई और उसी दिन शाम को जो है चुनाव आयोग ने शिंदेगढ़ को मान्यता प्राप्त देती है, अधिकृत शिवसेना करके स्वीकार करती है और धनुष बाण जो है वो शिंदेगढ़ को देती है। और उसी दिन शाम दूसरे दिन अमित शाह कस्बा में जाते हैं और ये कहते हैं कि सत्य की जीत हो गई है। तो ये सारा जो टाइमिंग है, मुझको ऐसा लगता है कि मोदी सरकार जो है अपने राजकीय स्वार्थ और हितों को साध्य करने के लिए इस देश की राज्य घटना हो, इस देश की घटनात्मक संस्थाएं हो, उन तमाम रौंदते हुए अपने ही राजकीय हित को साधने के लिए किसी भी हद तक जाने से वो अपने आप को परहेज नहीं कर रहे हैं, और देश की लोकशाही के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए चुनाव आयोग ने एक प्रकार से पार्टी को मदद करने के दृष्टिकोण से कस्बा और पिंपरी चिचवड़ के चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से ये हनन फानन में लिया हुआ निर्णय है, और ये जानकर कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से एक बहुत ही बुनियादी मसला वहां पर चालू है, जिस मसले के तहत ये तय होने वाला है कि क्या एकनाथ शिंदे अपनी आमदार की बचा पाएंगे या फिर अपनी आमदार की वो खोने वाले हैं, क्योंकि दल बदल कानून जो है इस देश के अंदर वो राज्य घटना के 10वें शेड्यूल के तहत वो ऑपरेट होता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के भी सामने ये सवाल है कि उसे राज्य घटना को, क्योंकि जिस प्रकार से जो है कि स्पीकर दल बदल कानून के संरक्षण है, उसी प्रकार राज्य घटना के संरक्षण इस देश की सर्वोच्च न्यायालय है, इसलिए इस देश की सर्वोच्च न्यायालय को भी यह तय करना है कि वो राज्य घटना के साथ है या फिर केंद्र सरकार जिस तरीके से अपने केंद्रीय संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है, उस परंपरा को वह आगे बढ़ाने के लिए मददगार या रास्ता प्रशस्त करने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में काफी कुछ न्यायालयीन लड़ाई और संघर्ष होंगे, नए नए मुद्दे न्यायालय में आएंगे, और कहीं ना कहीं एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि महाराष्ट्र की में जो ये सत्ता संघर्ष चल रहा है, ये सत्ता संघर्ष इतने जल्दी थमने वाला नहीं है। अंत तो गत्वा इस पूरे जो बना हुआ है, जो अनसर्टेनिटी जिसको बोलते हैं, बने हुए बना हुआ है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी स्वयं जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी दिनों में महाराष्ट्र की जनता का खाते उसको जवाब दे हो।